एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका। तो हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर के यहाँ। उठे नहा वहा के देखा मम्मी पूजा कर रही थी, आपने देखा ही अभी। तो हम लोग निकले हैं, रोज आशी को छोड़ दिया है नानी के पास और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। जस्ट विश मी गुड लक। और जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक के लिए जो भी डॉक्टर ने बताया वो आपको पता ही चल जाएगा फिर वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मुझे भी नहीं पता आगे क्या है, मैं आपको शेयर करती रहूँगी। की गली इतनी पतली है कि कोई एक कार किसी ने खड़ी कर दी है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब हस्बैंड गए हैं बोलने, जिसकी विकार है ये प्रॉब्लम हो जाती है मोहल्लों में। तुमने डॉक्टर साहब के आ चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन बनवाल के आए हैं, काफ़ी पहले से इनको जानते हैं हम लोग। तो क्या ही आए, विश मी गुड लक। आपको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पहले प्लास्टर कट होगा, फिर उसके बाद से एक्सरे होगा, फिर से फिर आगे डॉक्टर बताएंगे मुझे कि आगे क्या करना है, क्या स्थिति है पैरों की। ये प्लास्टर कट हो रहा है, काफ़ी टाइम लगता है प्लास्टर कट होने में, तो कटिंग हो रही है यहाँ पे। वही तो कह रहा हूँ। तो फाइनली प्लास्टर कर दिया है। मेरे पैरों की हालत आप देख सकते हैं, कितने ब्लैक हो चुके हैं मेरे पूरे पैर, जो पूरा कवर्ड एरिया था बिल्कुल ब्लैक हो गया। अभी भी स्वेलिंग आपको दिख रही होगी। अभी एक्सरे होने जा रहा है मेरे पैरों का। एक्सरे हो चुका है और मैं डॉक्टर को दिखाने वाली हूँ। डॉक्टर के यहाँ गई है, दिखा के आ गई। तो घर वापस आ चुके हैं और पैर का प्लास्टर कट गया है। अभी मुझे लगभग 20 से 22 दिन और क्रेप बैंडेज बांधना होगा। डॉक्टर ने बोला टोटल 1.5 महीने लगेंगे ठीक होने में। तो अभी तो 21-22 दिन हुए हैं और क्रेप बैंडेज नहीं आया। बस खुशी इस बात की है कि प्लास्टर कट गया, जो कि मेरे दिल पे मेरे शरीर पे बोझ था। अभी भी बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए हैं डॉक्टर ने, सीधे पैर को चलना है, पैर मुड़ना नहीं चाहिए, पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, खान पान का ख्याल रखना है। लेकिन फाइनली मेरा प्लास्टर कट गया और अब मैं पैर को धुलूंगी। पैर इतने गंदे हो गए हैं मेरे, पैर वॉश करूंगी, फिर क्रेप बैंडेज लगाऊंगी उसमें। और रोज आशी कैसा लग रहा है, ताकि पहले नहा लो, इंसान बन जाओ, नहा जाओ नहा लो। तो अब मुझे ये क्रेप बैंडेज अगले 20 से 22 दिनों के लिए बांधना है। पैर मेरे अभी भी ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आते ही पहले मैंने अपने दोनों पैरों को चमकाया, खूब साफ़ किया, काफ़ी गंदे हो चुके थे पैर मेरे, तो उनको साफ़ किया। अभी बहुत सारे प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बताई है, क्रेप बैंडेज बांध के रखना है, संभल के चलना है, बहुत कम चलना है। और अब पूरे पैरों को मैं रख सकती हूँ। खुशी इस बात की है कि प्लास्टर कट हो गया है, तो जो एक बेचैनी सी थी वो ख़त्म हो गई है।
तो आज मेरे लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा और एक नई प्रोग्रेस है पैरों में कि चलो प्लास्टर कट हो गया और अब क्रेप बैंडेज में जब चाहूँ तो खोल सकती हूँ, कब नहा सकती हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाती रहूँगी, डेली ब्लॉग्स भी लाती रहूँगी और तरह तरह के ब्लॉग्स लाती रहूँगी। तो ये मेरा पैर अभी ये है दवाइयाँ, अगले एक महीने की दवाइयाँ हैं। आई होप सब अच्छा होगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।